अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम पॉलिटिकल टॉक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट कौकब फारूकी। नाजरीन, कुछ प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे, कोरोना वायरस का चर्चा जो है वो हम देख रहे हैं काफ़ी तूल पकड़ता चला जा रहा है। जिसको देखो उसके मुंह पर है कोरोना वायरस, कोरोना वायरस, कोरोना वायरस। कोरोना वायरस आखिर है क्या और इस ये जो वायरस है वो किस तरीके से फैलता है और इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? क्योंकि हमने देखा है कि सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ जो है बहुत सारी अफवाहें भी जो हैं वो देखने में आती हैं। नए साल के आगाज़ से ही दुनिया को नए चैलेंजेस का जो है वो सामना रहा है, साथ साथ कुदरती आफात भी जो है वो जानी और माली नुकसान का बाइस बनती हमें दिखाई दे रही हैं। क्योंकि हम देखते हैं डिज़ास्टर्स हो रहे हैं, अर्थक्वेक हो रहे हैं और अब ये कोरोना वायरस जैसा मर्ज़ जो है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। चीन से शुरू होने वाली ये बीमारी जिसने देखते ही देखते दुनिया के कई ममालिक को अपनी लपेट में ले लिया है, देखते ही दुनिया के कई ममालिक जो हैं इसके ज़ेरे आब आ चुके हैं और हर शख्स को जो है वो खौफ एक तारी हो गया है। किसी को अगर छींक भी आती है तो वो यही समझता है कि शायद मैं भी कोरोना वायरस का शिकार हो गया हूँ, या किसी को कुछ भी इस तरह की अलामत जो उसकी बताई गई हैं उससे उसको यही लगता है, उसके जहन में यही चीज़ घुस गई है कि यार शायद मुझे कोरोना वायरस का मतलब इस तरह का अटैक हो गया है। और इसमें कोई दोराई नहीं है कि ये बहुत तेज़ी से जो है ये वबा जो है इसको कहेंगे या वायरस जो है वो तेज़ी से फैलता चला जा रहा है। तो इसके सदबाब के लिए क्या इकदाम करने की ज़रूरत है? क्योंकि अभी तक माहरीन का कहना है कि इसका जो है कोई इलाज जो है वो अभी तक मुमकिन नहीं है। और ये किस तरह से फैलता है, हम देखते हैं कि चीन में जो है लोग जो हैं वहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह में या घरों में जो है कहते हैं कि ये वायरस फैलने की खास वजह ये कि चमगादड़ का सूप या जंगली जानवरों का जो है वो मीट खाना, इसकी वजह से जो है ये जो वबा है वो फैली है और इसने इतने लोगों को जो है मौत की कागार पे लाकर जो है वो खड़ा कर दिया है। क्या सूरत हाल अब हो रही है कोरोना वायरस के हवाले से? हुकूमत क्या इकदाम कर रही है? मतलब हमारे जो चीन में पाकिस्तानी तालब इल्म हैं या लोग हैं पाकिस्तानी हैं और दीगर ममालिक में जो ये वबा है तेज़ी से फैलती जा रही है, इसकी रोकथाम के लिए क्या इकदाम करने की ज़रूरत है? और मतलब ये जो मर्ज़ है वो किस तरह से इंसान के अंदर अपनी जगह बना लेता है और इससे बचने के लिए क्या हमें करना चाहिए ख़ुद से? तो मतलब ये सब कुछ बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इरीज हारून। हमने इनको दावत दी है अपने प्रोग्राम में, इनसे जानेंगे कि कोरोना वायरस के बारे में हमें क्या बताएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। जैसे कि मैंने ब्रीफ किया कि कोरोना वायरस आप भी सुनी रही होंगी एज अ डॉक्टर कि कोरोना वायरस, कोरोना वायरस, मतलब आपके ख्याल में कोरोना वायरस है क्या? अच्छा, कोरोना वायरस एक्चुअली जो जितने भी फ्लू के वायरसेस हैं ना वो होते ही हैं, क्योंकि वायरस की टाइप है। अब जो लेटेस्ट कोरोना वायरस आया है ना, जो COVID-19 कह रहे हैं, 19 बिकॉज 2019 में वो आया है, ये लेटेस्ट है, उसकी टाइप है एक, ठीक है। मतलब कि जितना फ्लू इन्फेक्शस फ्लू फैलता है, जैसे सार्स भी जो फैला था वो भी कोरोना वायरस ही था। अच्छा। लेकिन वो डिफरेंट टाइप का था, सिम्टम्स डिफरेंट थे, उसका जो है एक्सट्रीम लेवल डिफरेंट था, ये डिफरेंट है और ये लेटेस्ट वाला है। तो इसको हमने कहा तो एक्चुअली वायरस तो फ्लू वाला ही है, लेकिन इसकी जो आप कह सकते हैं कि ये ज्यादा सख्त किस्म का वायरस है, जो सिम्टम्स अलग है और इसकी जो सिवियरिटी है वो ज्यादा है, जब शिद्दत ज्यादा इख्तियार करता है। मतलब ये कह रहे हैं ना कि एक दूसरे से मुंतकिल हो रहा है, मतलब क्या फ्लू होता है? क्योंकि हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर इस हवाले से बड़ी मतलब फेक न्यूज भी बनाई जा रही है कि अगर कोई छींक रहा है या किसी को, वैसे ही क्योंकि मौसम की वजह से अगर किसी को फ्लू हो रहा है तो पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। तो आप क्या बताएंगे? देखो, जितनी भी रेस्पिरेटरी डिजीजेज होती है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हम कहते हैं, यानी कि छींक से, सांस लेने से, एयर के थ्रू वो ट्रांसफर करती हैं। अगर किसी ने अपने फ्लू हुआ हुआ हाथ लगाया और सर्विस पे लगाया और किसी और ने आके सर्विस को टच किया तो उसको भी स्प्रेड हो जाएगी वो चीज़। तो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस होती हैं और ये स्प्रेड होती हैं एक दूसरे से। इसके लिए वो फिर प्रिकॉशंस लेते हैं कि मास्क लगा लिया, अपने हैंड वॉशिंग अच्छी करें, किसी को फ्लू हुआ हुआ है तो उसे हाथ ना मिलाएं, उसे कॉन्टैक्ट ज़रा दूर रखें, ये चीज़ें होती हैं। मास्क क्योंकि स्पेशली लगाते हैं कि आपके स्नीज करते हुए, कॉफ करते हुए वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ना स्प्रेड हो। तो ये स्प्रेड तो हो रहा है और लेकिन बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन स्प्रेड होते हैं, तो उसका मतलब ये तो नहीं कि पैनिक क्रिएट कर दिया जाए। अराउंड 45,000 केसेस जो हैं वो अभी तक रिपोर्टेड केसेस हैं। कुछ ऐसे केसेस भी होंगे जो रिपोर्ट नहीं होंगे। अब तक चीन समेत 24 ममालिक ऐसे हैं जिसमें 14,000 से ज्यादा केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं और मजीद इनकी तादाद हमें नहीं पता, बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि जो हमें पता है वो हम बता रहे हैं, जो हमें नहीं पता वो और पता नहीं। माइल्ड सिम्टम्स किसी को हों, जैसे क्योंकि वायरल फ्लू जो है उसके सिम्टम्स तो एक जैसे होते हैं,
किसी की अगर इम्यूनिटी कम होगी तो वो कॉम्प्लिकेशन में जाएगा और आके शायद चेक करा दे डॉक्टर को, वरना कितने सारे लोग हैं जिनको सिर्फ फ्लू के सिम्टम्स होते हैं वो नहीं आते डॉक्टर के पास, हो सकता है उनको भी यही वाला टाइप का वायरस हो लेकिन वो डिटेक्ट मतलब नहीं हुआ। इसका फ्लू जो है वो डिफरेंट कुछ अलामत नहीं होती, मतलब वायरल क्योंकि नॉर्मल फ्लू होता है वो भी इसी तरह का होता है सेम, मतलब पता कैसे चलेगा, मतलब इसका कोई टेस्ट होता है? अगर हिस्ट्री दे रहे हैं कोई उस एरिया से ट्रेवल करने की या उस एरिया के लोगों से किसी से कॉन्टेक्ट होने की, जैसे कोई आप पास्ट में जो लास्ट 3 वीक्स होंगे क्योंकि 14 डेज का होता है इसका टाइम होता है, 1 वीक to 14 डेज इसमें इन्फेक्शन शो करती है, तो अगर वो ट्रैवलिंग की कोई हिस्ट्री दे रहा है तो उसको चेक कर सकते हैं। वरना फ्लू के सिम्टम्स वायरल जितने भी वायरल फीवर्स हैं ना उनका स्टार्टिंग पैटर्न एक ही जैसा होता है, फीवर होगा, बॉडी एक्स होंगे, स्नीजिंग होगी, सोर थ्रोट होगा, वो सिम्टम्स सारे एक ही जैसे होते हैं। जहाँ पे कॉम्प्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है कि नमूनिया हो गया, क्योंकि इसके नमूनिया और ब्रीदिंग इशूज़ बहुत ज़्यादा है, सिवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाता है, सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है, वो जब किसी को स्टार्ट होगा तो उसको फिर टेस्ट करते हैं और फिर कहते हैं अच्छा ये वाला वायरस है या ये वाला प्रॉब्लम है। तो वो डिटेक्शन तक आने के लिए जो पहले जो बीच में फेज है ना उसमें कुछ नहीं कोई कह सकता कि इसको, इसी वजह से इतना ज्यादा वो कर रहे हैं कि किसी को छींक भी आ रही है, कॉफ भी आ रही है तो उसको अलग कर रहे हैं। हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे ऐसे वायरसेस पाकिस्तान में भी होते हैं और इससे बाहर भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन इतनी शिद्दत किसी वायरस ने मेरे ख्याल में अख्तियार नहीं की होगी और इतनी तेजी से ये वबा फैली नहीं होगी, क्योंकि अगर बात की जाए पाकिस्तान की तो यहाँ पे डेंगू का बड़ा ज्यादा रेशियो सामने आया था, और दीगर मतलब अगर बात कर लें फ्लू वगैरह की नॉर्मल तो वो तो चलता ही रहता है ऑन एंड ऑफ, लेकिन आपको क्या लगता है मतलब ये वायरस मतलब क्यों इतनी शिद्दत इख्तियार कर रहा है, क्यों इसको इतनी हाइप मिल रही है और इसकी वैक्सीनेशन या इसकी मेडिकेशन क्यों नहीं हो रही अब तक? इंटरनेट पे बहुत ज्यादा इसकी हाइप बनी है, पैनिक क्रिएट कर दिया गया। अगर आप रेशो निकालें तो हमारे यहाँ जब डेंगू हुआ था तो कितनी कॉम्प्लिकेशंस हो रही थी, कितना डेथ रेशो हो रहा था, काफी ज्यादा हो गया, लेकिन क्योंकि अर्ली डिटेक्शन स्टार्ट कर दी थी, फिर वैक्सीनेशन आ गई, उसकी ट्रीटमेंट होना शुरू हो गई, तो वो चीज़ कवर हो गई। यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ स्टार्ट हुआ, जब वायरस स्प्रेड होना शुरू हो गया, क्योंकि किसी ने जब स्टार्ट हुआ, किसी जब पहले 2-3 केसेस हुए होंगे, एक तो वो रिपोर्ट नहीं हुए और वहाँ से लोगों ने ट्रैवलिंग की, चाइना से ट्रैवल किए, तो वो दुनिया में स्प्रेड होना शुरू हो गया। जब नहीं, और दीगर ऐसे मुमालिक भी जो हैं आपने देखा होगा कि मतलब वो अपने अपने लोगों को, जैसे अगर चीन में कोई अमेरिकन है या पाकिस्तानी है तो वो अपने लोगों को वहाँ से बुला रहे हैं और बाकायदा उनकी मतलब ट्रीटमेंट पूरा कर रहे हैं, देख रहे हैं इसमें कोई मतलब स्क्रीनिंग हो रही है, कोई वायरस के सिम्टम्स तो नहीं है। लेकिन मैं कुछ न्यूज़ भी देख रही थी और इस तरह की खबरें भी देख रही थी कि बाद में पता चलता है कि उसमें वो वायरस की तशखीस हो गई है, मतलब इस तरह से, क्योंकि इंक्यूबेशन पीरियड होता है जब तो वायरस, आपको नहीं लगता कि जो लोग जहां हैं उनको वहीं होना चाहिए, आप बुलाएं नहीं, अगर अब नहीं बुलाएंगे तो ये वजह भी हो सकती है वायरस फैलने की, वो यही वजह है ना, स्प्रेड होता है इसी तरह की, अगर आप उसको ट्रेवल किसी बंदे को वहां से निकाल के ले आएंगे और उसने कैरी किया हुआ वायरस तो वो मजीद आगे 3-4 लोगों को लगेगा और फिर मतलब, लेकिन स्क्रीनिंग की जा रही थी कि नहीं है वायरस, अलामत नहीं पाए गए, देखो लेकिन बाद में फिर एक्चुअली अभी स्क्रीनिंग टेस्ट जो प्रॉपर स्टार्ट, हमारे पास तो वैसी चीजें थोड़ी लेट आती हैं, तो स्क्रीनिंग वायरस को डिटेक्ट करने के लिए उसकी जो पूरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डिटेक्शन किट्स होती हैं जो, वो होनी चाहिए और जब तक वायरस एक्टिव फॉर्म में नहीं, नहीं लगता हमारे पाकिस्तान नहीं, में ये चीजें नहीं होंगी, क्योंकि नॉर्मल मशीनरी हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं, लैब जो है वो इतनी हाईली होनी चाहिए कि आपकी हाईली इक्विप्ड के उसमें डिटेक्शन हो किसी चीज की। जब इवन डेंगू आया था तो डेंगू भी शुरू में डिटेक्शन किट्स नहीं थी, पता नहीं चलता था कि कौन सा वायरल, तो सेम इज द केस यहाँ पे डिटेक्शन किट्स का थोड़ा सा इशू होगा और वायरल सिम्टम्स जो है ना वो फर्स्ट 7 to 14 डेज में तो पता नहीं चलता, अगर किसी ने कैच किया है ना तो पहले 7 दिन तो उसको कोई सिम्टम नहीं आएंगे और उसके बाद भी जो आएंगे वो फ्लू लाइक सिम्टम्स होंगे, इम्यूनिटी कम होगी तो ज्यादा मसला होगा। तो डिटेक्शन तो अगर सारों की एक एक बंदे की तो वायरल डिटेक्शन नहीं कर रहे, वो लोग सिम्टम्स के ऊपर कर रहे हैं और अगर किसी को सिम्टम नहीं है और अगर मतलब ये वायरस इतना खतरनाक है कि डायरेक्ट बंदा मौत के दहाने पे आके खड़ा हो जाता है, ये देख रहे हैं कि इस वायरस का इतना शदीद अटैक है कि बंदा अपनी जान से जा रहा है। अच्छा, इसमें भी थोड़ा सा वही बात है कि अगर इम्यूनिटी किसी की कम है ना तो वो नहीं सर्वाइव कर रहे, ओल्ड एज जितने भी हैं और या जिनका कोई भी अंडरलाइंग रीजन है जिसकी वजह से इम्यूनिटी कम है कि पहले से कोई बीमारी है वो सर्वाइव नहीं कर रहे, अगर एक नॉर्मल हेल्दी बंदा है वो सर्वाइव कर जाता है। और इसमें एक और चीज मजे की बात यह है कि इसमें बच्चों का रेशो बहुत कम है, आप देखिए, वरना क्या होता है कि जब कोई बच्चे बहुत ज्यादा
सेंसिटिव होते हैं, लेकिन इसमें क्योंकि वो कह जो एक सर्वे किया है उसमें कह रहे कि बच्चों की क्योंकि इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, वो जल्दी रिएक्शन शो करते हैं, तो वो इसको कोप अप जल्दी कर लेते हैं इस वायरस से. तो बच्चों में कम है केसेस, बड़ों में ज़्यादा, और बड़ों में भी वो केसेस सिवेरिटी ज़्यादा पकड़ रहे हैं जिनकी इम्यूनिटी कम है. सही. अच्छा, हमें ये भी बताएगा कि ना जैसे अब किसी को पता चल जाता है कि यार हमें ये सिम्टम्स फील हो रहे हैं कोरोना वायरस के, तो क्या ऐसी अलामत हैं जिसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम इससे बच सकें खुद ही सेल्फ सेफ्टी के लिए? अच्छा देखो, अगर किसी को खुद से फील हो रहा है ना, अपने से ज़्यादा दूसरों के लिए भी थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना चाहिए. एक तो ये कि मास्क लगा के रखें, मास्क सिर्फ बचने के लिए नहीं, दूसरों को बचाने के लिए भी, ताकि जो स्नीज करे उसको उसकी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन किसी और को नहीं लगे. हैंड वॉशिंग ज़रूर करनी चाहिए. अच्छा, वायरल जितने भी फीवर्स होते हैं उनकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होती है कि अगर बुखार है तो बुखार की दवाई लेंगे, अगर गला ख़राब हो रहा है तो उसके लिए लेंगे. इनकेस किसी को ब्रीदिंग इशू स्टार्ट हो जाता है, किसी को लग रहा है कि बहुत सांस लेने में, तो फिर डॉक्टर के पास जाके ताकि उसको केयर करें. इसकी कॉम्प्लिकेशन यही है कि निमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर बहुत सेवेरिटी हो तो ऑर्गन फेलियर हो जाते हैं, यानी कि आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं गुर्दे हैं वो काम करना छोड़ देते हैं. सही. अच्छा, हमने देखा था कि कोरोना वायरस जो है वो चीन के शहर वुहान में तेज़ी से फैला था, और कहा जा रहा था कि वहाँ के जो लोग हैं जंगली जानवर और चमगादड़ का सूप, और हमने देखा है कि इस तरह चूहे या स्नैक्स वगैरह जो हैं वो खाते हैं, और देखते ही देखते ये पूरी दुनिया में फैल गया. तो आप क्या कहेंगे, मतलब वाकई ये इन चीज़ों से हुआ है? क्योंकि हम तो देखते आ रहे हैं शुरू से ही वहाँ के लोग तो इसी तरह की चीज़ें खाते हैं, लेकिन अब ये मैंने एक कुछ नया सुना था, पता नहीं पहले से हो या नहीं हो, कि चमगादड़ का सूप पीने से ये वायरल जो है ज़्यादा परवान चढ़ा है. अच्छा, तो इस पे क्या कहेंगे? चमगादड़ में कुछ ऐसे होती हैं चीज़ें? चमगादड़ में, बर्ड्स में, जितने भी ये हम कहेंगे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं ना, इनमें वायरसेस ज़्यादा होते हैं. जब फर्स्ट कोरोना वायरस जो डिस्कवर हुआ था ना, ह्यूमंस में बाद में हुआ था, पहले एनिमल्स में हुआ था. फ्लू भी बहुत फैला था. तो और ये जितने चीज़ें जब खाते हैं, आप सोचो सार्स भी वहाँ से ही स्टार्ट हुआ था, चाइना से. तो ये भी क्योंकि उसमें भी तब भी यही हुआ था कि ये लोग सही मीट नहीं खाते, इनकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो इतनी ख़राब हैं कि उसकी वजह से वायरस होता है. तो ये वायरल इन्फेक्शन होती हैं, और चमगादड़ की वजह से हुई है. लेकिन उसमें कह रहे हैं कि अब एक जो बिल्कुल लेटेस्ट जो रिसर्च है उसमें ये बता रहे हैं कि डायरेक्ट बैट के थ्रू नहीं हुई, बीच में एक कोई एनिमल से मतलब कि बैठ के उसकी वजह से ट्रांसमिट हुई है, और फिर इंसानों में ट्रांसमिट हुई है. सही. तो ये ट्रांसमिशन फेज है, लेकिन बात वही है कि जो चीज़ सही है, एक नेचुरल आपका ब्रेन देखो प्रोसेस करता है कि ये चीज़ खानी नहीं है, तो उसको अगर आप खा रहे हैं तो यकीनन उसमें कुछ ना कुछ हार्म है. लोग तो वो इस चीज़ों के यूज टू तो उनके पर आप देखो डिजीजेस भी जब आया था, सार्स आया था, वो भी इसी वजह से स्टार्ट हुआ था. जो दूसरी डिजीजेस हुई हैं जितनी भी, एम्बोला वायरसेस वगैरह, वो भी इसी तरीके से स्टार्ट हुआ. हाँ डॉक्टर साहब, यहाँ पे बनता है एक छोटा सा ब्रेक जो हमें लेना बहुत जरूरी होता है, तो चलते हैं नाज़रीन एक ब्रेक की जानिब. वेलकम बैक नाजरीन, बात कर रहे हैं कोरोना वायरस के हवाले से कि इसकी क्या क्या अलामत हैं और इससे किस तरह से बचाव हम कर सकते हैं. और यहाँ पे ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि अब तक हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस का जो है कोई इलाज जो है वो अभी तक दस्तयाब नहीं है. क्या वजूहत हैं इनकी? अच्छा, वायरसेस जितने होते हैं ना म्यूटेट करते हैं, यानी कि वो अपनी शक्ल और अपनी जो उनकी साख्त है वो तब्दील कर देते हैं. तो उनकी वैक्सीनेशन बनाना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि कोशिश होती है डॉक्टर्स की, साइंटिस्ट की, कि ऐसी वैक्सीनेशन बनाए जो कवर करे प्रॉपरली. तो जब वो म्यूटेट कर जाएगा तो कवरेज नहीं मिलता प्रॉपर, उसके लिए बहुत टाइम लगता है, एक्सपेरिमेंट्स करनी पड़ती है. जो वायरसेस होते हैं जिस चीज से हुए हुए होते हैं तो उन्हीं में से उनकी मेडिसिन, उन्हीं से भी वैक्सीन. देखो वैक्सीनेशन का तो कॉन्सेप्ट यही होता है कि जो वायरस है या जो बैक्टीरिया है उसी के को कन्वर्ट करके उसकी रेशो निकालते हैं. वायरस बेसिकली वैक्सीनेशन ही होती है, और उसी को जब इंजेक्ट करते हैं तो एंटीबॉडीज़ बनती हैं हमारी. एंटीबॉडीज़ जो है वो अटैक करती हैं वायरस को ताकि मजीद ना हो.
तो वो बनता तो उसी के थ्रू है. अब ये एक्सपेरिमेंट्स होंगी, इसमें टाइम लगेगा क्योंकि ट्रीटमेंट तो वायरल ट्रीटमेंट्स हैं अवेलेबल, लेकिन बहुत हार्श होती हैं तो देते नहीं हैं. वायरल फीवर्स जितने भी होंगे उनको सिम्टोमेटिकली ट्रीट करेंगे, वैक्सीनेशन तो दे देते हैं. अभी डॉक्टर्स किस तरह से इस वायरसेस जो हैं इसको कंट्रोल कर रहे हैं? देखो अभी सिम्टम, अभी तो बेसिकली प्रिवेंशन, और अगर किसी को हो जाए तो उसको उस स्टेज तक ना पहुंचने दें कि निमोनिया हो और ऑर्गन फेलियर हो. ये प्रिवेंशन हो रही है बस, अभी और कुछ नहीं हो रहा. तो जो जो अर्ली डिटेक्शन होती जाएगी उनको वो अलग से रखते जा रहे हैं ताकि स्प्रेड ना हो मजीद अच्छा, वायरस. आयजा डॉक्टर, आपको नहीं लगता कि हर तरह के वायरसेस की जो है हमें वैक्सीनेशन, मतलब डॉक्टरों को चाहिए रिसर्च करते रहें या जो भी रिसर्चर्स हैं माहिरीन हैं उनको नहीं चाहिए कि इस तरह के वायरसेस से बचाव के लिए इस तरह की वैक्सीनेशन के लिए कुछ इकदाम करें? वैक्सीनेशन क्योंकि बहुत तेजी से हम देख रहे हैं इसका रेशियो बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है. शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी तक पाकिस्तान तक मेरे ख्याल में नहीं पहुंचा है इसका. और मतलब कहा जा रहा था कि एक दो जो तलबा हैं चीन से जिनको मंगवाया तालिब इल्मों को, तो उनमें थोड़ी बहुत सिम्टम्स नजर आए, लेकिन हो क्या अल्लाह करे कि यहाँ इतनी तेजी से ना फैले. क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास जो अभी केस चल रहा था डॉग के काटने से भी नहीं हो रहा था कुछ भी, वैक्सीनेशन नहीं थी हमारे पास. और हमारा मेडिकल और अस्पतालों का निजाम जो है वो इतना मतलब फुकदान का शिकार है. यहाँ पे मेडिसिन नॉर्मली जो आपका ट्रीटमेंट होता है उसकी भी अवेलेबल नहीं होती, तो हम इतनी स्ट्रॉन्ग वायरस से लड़ तो नहीं सकते मेरे ख्याल में. आपको क्या लगता है? अच्छा एक तो ये कि वायरस जब वैक्सीनेशन के लिए साइंटिस्ट तो काम हर वक्त करते हैं, ठीक है, लेकिन वही बात है कि हर साल आप देखो हर थोड़े अरसे में कोई एक नई चीज़ आ जाती है. हाँ. तो उसको कॉम्बैट करने पहले वाले तो कर लें तो फिर उनको भी करेंगे. तो कोशिश तो होती है क्योंकि करें वैक्सीनेशन बनाएं, और ट्रीटमेंट भी अवेलेबल होनी चाहिए, लेकिन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर कहते हैं वो. इसी वजह से कि जो हम लोग जिस चीज़ को रोक सकते हैं रोक लें, क्योंकि वैक्सीनेशंस बना के वैक्सीनेशन को सारी वर्ल्ड वाइड स्प्रेड करना कि हर कोई उसको जो है वो मिले वैक्सीनेशन, वो भी एक लॉन्ग प्रोसेस होता है. इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस. अच्छा पाकिस्तान में जहाँ तक ये कि मेरे ख्याल से हमारी थोड़ी सी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि हम लोग काफ़ी चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट फेस करते रहते हैं ना, हमारी इतनी पोल्यूशन ज़्यादा इम्यूनिटीज में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हम लोगों की चीज़ें. और दूसरा लेकिन हम लोग थोड़ा सफाई की तरफ भी जाते हैं, जैसे हम लोग नमाज पढ़ते हैं तो वजू किया, हाथ धो लिए, हैंड वॉशिंग हमारी ज्यादा. हाँ ये भी सुन रहे थे कि जो वजू करता है तो वो इसके सिम्टम से, क्योंकि हैंड वॉशिंग है ना उसमें. और हम लोग सफाई पसंद है, हम लोग चीजें जरा खाने पीने में हमारी चीजें डिफरेंट हो जाती है, तो इस वजह से हम लोग थोड़ा सेफ्टी की तरफ है. तो आपको नहीं लगता कि जिन जो चीज़ें खाने से लाइक चमगादड़ या जंगली जो भी एनिमल है उसको खाने से ये वायरस है, तो अब इस पर पाबंदी लगा देनी चाहिए? हाँ मेरे ख्याल से होना चाहिए थोड़ा सा. एक तो वैसे भी वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए भी, कि एक एनिमल राइट्स भी होते हैं ना, तो उनको भी प्रिजर्व करने के लिए, क्योंकि जब वाइल्ड लाइफ ख़त्म होती है तो कुछ ना कुछ एनवायरनमेंट पे बुरा इफेक्ट आता है. और दूसरा ये कि इंसानों को अपनी सेहत के लिए भी देखना अच्छा, चाहिए. अच्छा कभी आपकी लाइफ में ऐसा कोई सीन आया हो कि आपने देखा हो इस तरह का कोई, मतलब आपका कभी इधर उधर जाना हुआ हो आउट ऑफ कंट्री, आपने देखा हो कि कोई इस तरह की चीजें खा रहा है? तो मतलब मैंने देखा को ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ आपके साथ? मैंने फ्रॉग लेग्स लोगों को खाते हुए और बनते हुए देखी है. सही. लेकिन ये कि वो हम लोगों को बहुत बुरा लगता है, उनके लिए कॉमन होता है शायद, जैसे हम लोगों के लिए बाकी मीट खाना कॉमन होता है. मतलब जैसे कि अगर हम कोशिश भी करें तो हम चाहते हुए भी खा नहीं सकते, और अगर खा लें तो मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कि हम फौरन ही वोमिट कर देंगे और हम खा ही नहीं सकते, बीमार हो जाएंगे. हम खा ही नहीं सकते, मतलब वो लोग इतने यूज्ड टू होते हैं ना शुरू से खा खा के शुरू से. और बस वही बात है कि उन एक सफाई का और गंदगी का थोड़ा सा डिफरेंस जो है ना वो कॉन्सेप्ट इनबिल्ट होता है. तो आपको ये लगता है कि गंदी चीजों की वजह से ये वायरस पैदा हुआ? देखिए नॉट गंदी इन द सेंस कि वो बिल्कुल देखने में गंदी, लेकिन एक इन द सेंस कि उसके अंदर की चीज़ आपको एक चीज़ नज़र आ रही है कि वो खाने वाली नहीं है. वाइल्ड का मतलब है कि वो जंगली है. वो उसके अंदर क्या चीज़ है वो आपको नहीं पता. जैसे हम कोई फ्रूट भी खाते हैं, आप मशरूम्स का एग्जांपल लें तो हम जंगली मशरूम्स नहीं खाते क्योंकि वो पॉइजनस होती हैं. तो आप एक ऐसी चीज़ चमगादड़ है वो आप खा रहे हैं जो कि आपको पता है कि खाने वाली नहीं है, उसमें क्या चीज़ है वो हमें नहीं पता क्योंकि उसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुई. तो जब क्या पता बहुत ज़्यादा टेस्टी हो. और ये भी हो सकता है अभी तो ये नहीं पता कि उसके अंदर से फेक ही वायरस था कि बाकी और भी कुछ निकलेगा. अच्छा बिकॉज देखिए ना एनिमल्स के अंदर डिफरेंट टाइप की डिजीजेज होती हैं, जैसे कैट्स के अंदर डिफरेंट डिजीजेज होती हैं, डॉग के हेयर में डिफरेंट होती है, तो हर चीज़ में है. तो हम हमारे वो खाने की चीज़ें तो नहीं, या बिल्लियाँ तो नहीं हम खाते. तो बस वही बात है कि वो जब खा रहे हैं गलत चीज़ें खा रहे हैं तो उसके फिर नतायज भी गलत भुगत रहे हैं. हाँ, तो वो तो बॉईल करके तो खा ही रहोगे. कहते हैं कि बॉईल करने से जर्सी मर जाते हैं, वायरस नहीं मरते ना, वायरस नहीं मरते, बैक्टीरिया मर सकते. सही. तो पता नहीं किस तरह से वो खा रहे होंगे. खैर ये कि आपको नहीं लगता कि
वहाँ की हुकूमत को चाहिए कि इस पे पाबंदी लगा दी जाए, लगाने चाहिए, क्योंकि आज ये वायरस हुआ है, कल को वो इस तरह की कोई और बर्ड या कुछ इस तरह की चीज खाते हैं तो फिर मजीद काफी पहले लगा देनी चाहिए थी। एक जगह के लोगों के खाने की वजह से मुख्तलिफ कंट्रीज में जो है ये वायरस फैल चुका है, तो आपको नहीं लगता जो और भी कंट्रियां हैं जो इससे मुतासिर हुई हैं तो उनको चाहिए कि ऐसी चीजों पर पाबंदी लगा दी जाए? बिल्कुल लगा देनी चाहिए। आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से काफी पहले लगा देनी चाहिए थी, जब सार्स का इंसिडेंस हुआ था तभी लगा देनी चाहिए थी। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये मतलब फेक है, फेक सोशल मीडिया की अगर बात कर लेते हैं, सोशल मीडिया पे हमने इतने खतरनाक बातें भी देखी, क्योंकि आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, लोग ठग से कुछ भी मालूम करना होता है। नॉर्मली अभी तो लोगों को पता ही नहीं था कि कोरोना वायरस है क्या, लेकिन अब जैसे ही शिद्दत इख्तियार करते जा रहा है तो हर एक के मुंह पे कोरोना वायरस टाइप का। और आपको ये भी मैं बताऊं कि बहुत सारे ऐसे पाकिस्तान में भी चाइनीज हैं जो यहाँ पे रहते हैं, काम करते हैं, वर्क करते हैं, तो वो बेचारे भी काफी मुतासर हो रहे हैं। लोग उनको भी कह रहे हैं जहां कोई चाइनीज या कोई उनको इस तरह का बंदा नजर आता है जो वहां आउट ऑफ कंट्री से वहां से रिलेटेड होता है, तो उसको भी लोग तनकीद का निशाना बनाते हैं हमारे यहाँ, तो बोलते हैं कि ये कोरोना वायरस है। तो इस पर क्या कहेंगे? किसी की दिल आजारी तो नहीं करनी चाहिए, अब जरूरी तो नहीं है ना। अब वो मतलब यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी भी रहती है हमारे पाकिस्तान में, और भी दीगर कम्युनिटीज रहते हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, चाइनीज भी हैं, सारे तरह तो जरूरी तो नहीं है ना कि अगर वहाँ के लोग हैं तो हम उनको इस तरह तनकीद का निशाना बनाएं। हमारी पाकिस्तानी कौम के जो लोग हैं वो इस तरह से निशाना भी बनाते हैं, तो थोड़ा सा किसी की दिल आजारी करना गलत बात है, क्योंकि वायरल देखिए इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन किसी को भी लग सकती है और कोई भी कैच कर सकता है, ठीक है। तो वो आप चाइनीज के साथ रिलेट सिर्फ उनकी उधर से क्योंकि स्टार्ट हुआ है उसके साथ तो कर सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पे रह रहे हैं वो तो वहाँ से नहीं ट्रेवल किया। हमने ऐसी खबर भी सुनी थी कि जितने भी चाइनीज हैं उनको यहाँ से निकाला जाए, जो वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं उनको यहाँ पे तो नहीं खा रहे ना चीजें, वो यहाँ पे तो वही खा रहे हैं, तो वो चाइनीज में भी हो सकता है कि वो इस तरह के एनिमल खाते हो, चमगादड़ तो यहाँ पे भी पाए जाते हैं यहाँ पे, लेकिन बात वही है कि अवेलेबिलिटी इतनी ईजी नहीं है वहाँ पे, तो जैसे पूरी मार्केट्स बनी हुई है। दूसरा ये कि वो यहाँ पे रहते हैं उनके पास उन इन्फेक्शन कैच कैच करके तो नहीं आए। हाँ, वहाँ से जो ट्रेवल कर रहे हो ना उनको जरूर देखना चाहिए कि वो वहाँ से इन्फेक्शन को कैरी तो नहीं कर रहे। यहाँ पे जो पहले से रहे ना उनको नहीं इस तरह करना चाहिए। दिस इज लाइक मेरे ख्याल से खुदा ना खास्ता किसी को भी इन्फेक्शन हो सकती है, और ये ऐसी चीज नहीं है कि आप किसी को पिन पॉइंट करेंगे ये क्योंकि क्रिश्चियन है या ये मुस्लिम है या ये, तो ये चीज़ गलत हो जाती है। फेथ के ऊपर देखा है कोई इस तरह का केस? नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी शुक्र नहीं। पाकिस्तान सेफ है। देखो, तो आपको नहीं लगता कि अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कभी कोई इस तरह से वायरस यहाँ पे अटैक कर देता है, तो आपको लगता है कि हमारे पास इससे बचाव के लिए कुछ इस तरह की वैक्सीनेशन या मेडिसिन या इलाज मुमकिन है? सुनिए, लेकिन डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, जितने हम मैं जितने डॉक्टर्स को जानती हूँ सब हार्ड वर्किंग डॉक्टर्स हैं, सबकी कोशिश होती है कि जो भी कोई भी पेशेंट हो, क्लाइंट हो, उसके साथ प्रॉपर तरीके से पूरे अच्छे ईमानदारी के साथ उसका इलाज किया जाए, तो एफर्ट तो करेंगे। जैसे डेंगू आया तो हमने उसको भी फेस किया, बीच में जो है एबोला वायरस की केसेस आए थे, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि देखें अब हम सुन रहे हैं कॉन्गो वायरस आ गया था, जब कॉन्गो वायरस आ गया था वो भी फेस किया, से ही आया था वो भी फेस किया सब चीजें, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि हमें अब पता है कि यार वायरस तेजी से फैल रहा है, हर ममालिक में मुंतकिल हो रहा है, तो आपको नहीं लगता कि इससे बचाव के लिए हमें अभी से इकदाम करने की जरूरत है? क्योंकि हम लोग वैसे ही बहुत लेजी है कि हमारे पास नॉर्मल ट्रीटमेंट के लिए मशीनरी तक अस्पतालों में अवेलेबल नहीं होती, इलाज कराने के लिए बैरून मुल्क जाना पड़ता है, तो आपको नहीं लगता कि जब ये वबा इतनी तेजी से फैल रही है तो इसके लिए हमें वैक्सीनेशन फौरन से अरेंज करनी चाहिए? वैक्सीनेशन तो जब अप्रूव होगी तो वैक्सीनेशन आ जाएगी, लेकिन उससे पहले प्रिवेंशन कर सकते हैं कि हम लोगों को जैसे आम पब्लिक को बताएं कि हम लोगों के मास्क पहन के आप बाहर रोड पे निकलते हैं, चाहे धुआं हो कुछ हो, कोई मास्क नहीं पहनता, कोई अपनी ये वाले प्रिकॉशंस नहीं हम लोग लेते, ये प्रिकॉशंस ले सकते हैं। ये हो सकता है कि हॉस्पिटल्स वाले प्रोवाइड करें या कैंप्स लगा लें कि इस तरह की चीज़ें कि आपको सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या करने हैं, तो ये चीज़ हम कर सकते हैं। बाकी जब वैक्सीनेशन अप्रूव होगी तो इंशाल्लाह आ जाएगी। सही, बीइंग अ डॉक्टर आपके पास भी केसेस आते होंगे, तो मतलब कुछ ऐसे पेशेंट्स आते हैं तो वो आपसे पूछते हैं कि भाई कोरोना वायरस का क्या है, क्या है, किस तरह लोगों में तजस्सुस एक हम देख रहे हैं कि रेशो काफी बढ़ रहा है, और कोई ब्लड प्रेशर का मरीज है जरा सी उसको छींक आ जाती है या फ्लू हो जाता है तो वो तो स्ट्रेस ले लेता है कि यार शायद ही मैं इस सिम्टम्स का शिकार ना हो गया हूँ, ये सिम्टम्स मुझे फील हो रहे हैं कि शायद मैं इस बीमारी का शिकार ना हो गया, तो इस तरह का कुछ वास्ता पड़ा है आपका? आ रहे, क्योंकि जिनको भी, क्योंकि आजकल एक सीजन भी चला हुआ था कि फ्लू सीजन चला हुआ था, तो जिसमें कॉफ बहुत हो रही थी या वायरल, वो तो खैर मौसमी, आपको पता है हमारे पाकिस्तान में जो
मौसम है और कराची का ठंडा गर्म चलता ही रहता है। दो क्लाइंट्स जैसे आए जिन्होंने ट्रेवल करना था तो उन्होंने कहा, तो फिर उन्होंने ट्रेवल नहीं किया कि वो एयरपोर्ट पे, क्योंकि सिक्योरिटी की हुई है काफी ज्यादा कि वो स्क्रीनिंग कर रहे हैं, तो इस तरह के केसेस आ रहे हैं मेरे पास पूछते हैं आके। और हस्बैंड अपनी वाइफ को जरूर लेकर आते हैं कि इनको कोरोना वायरस हो गया कि छींके मार रही है। ये चीज बहुत है, अभी अवेयरनेस भी है थोड़ा सा, लोगों को हो भी रहा है, क्यूरियोसिटी भी हो रही है कि हम पूछें करें कि क्या सिम्टम्स हैं, क्या होगा। और ये भी डरते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता हो गया और हमें डिटेक्ट नहीं कर रहे तो फिर क्या करें अगर, तो मैं उनको समझाती हूँ, थोड़ी सी काउंसलिंग करनी पड़ती है कि अगर इनकेस फीवर है, कॉफ हो रही है, तो इसको देखें, मैनेज करें। इन कोई ज़्यादा सिम्टम हो, सांस लेने में प्रॉब्लम शुरू हो जाए, चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाए, तो फिर आ जाए इमरजेंसी में। सही, और भी इस पर बात करेंगे लेकिन वफा बहुत ज़रूरी होता है। नाज़रीन बढ़ते हैं एक ब्रेक की जाने। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस के हवाले से जो कि तेज़ी से जो है वो फैलता चला जा रहा है और पाकिस्तान फिलहाल इस वायरस से सेफ है। हमारे यहाँ वैसे ही इतने वायरसेस हैं, डेंगी है, बर्ड फ्लू था, कॉन्गो था, मतलब हम लोग देखते हैं कि ये वायरसेस मुस्तकिल होते रहते हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता कि हमारे पास मतलब अस्पतालों में इन वायरसेस, ये जो नॉर्मल अटैक वायरसेस होते हैं, उसके हमारे पास इलाज मुमकिन नहीं है? खुदा ना खास्ता अगर इस तरह का कोई पेशेंट हमारे पास आ जाता है, और हम ये देख रहे थे इवन कुत्ते के काटने की वैक्सीनेशन भी नहीं है, और मैंने ये भी सुना था कि कुत्ते के ही उससे लुआब से आई थिंक शायद वो मेडिसिन बनाएंगे तो ही उसका वो होगा कि उसमें जो है वैक्सीनेशन, तो जब भी बनती है ना वो जिसके अगेंस्ट बनती है डिजीज के, उसी डिजीज के थ्रू बनती है। तो वायरस हमने देखा था पिछले दिनों कितने केसेस आ रहे थे, रेबीज के बहुत ज्यादा हो गए थे, तो ये कि वैक्सीनेशन नहीं थी अवेलेबल। और उसके लिए प्रॉब्लम क्या होता है, जब कुछ चीज एकदम से आ जाती है ना फिर उस पर काम होता है, उससे पहले से नहीं हम लोग रेडी नहीं रहते कि हम, अच्छा ये चीज आएगी तो उसको फेस कर ले। अब जैसे ये डॉग बाइट के केसेस जो आ रहे थे तो पहले से क्यों नहीं थे हॉस्पिटल्स में, एटलीस्ट इतना स्टॉक तो होना चाहिए ना कि 2-3 केसेस हो। और फिर जब डॉग बाइट के केसेस आ रहे हैं तो आप उसको स्ट्रीट डॉग्स के लिए क्यों नहीं कुछ हल निकाल रहे? तो वो निकाल रहे थे ना कि उनको पॉइजन दे रहे थे, मार रहे थे, तो ये तो हल नहीं है ना। नहीं, ये हल नहीं है। देखिए, जब स्ट्रीट डॉग्स पूरी दुनिया में होते हैं कि उनको कैच करके उनके वो बने होते हैं एरियाज बने होते हैं, ले जाते हैं, इतनी उनको आपने आजादी दे दी कि वो इतने सारे हो गए कि हर एक को काटना शुरू हो गया, वो बिल्कुल वाइल्ड हो गए हुए थे, तो वो चीज नहीं सही ना, उसको पहले से ही रोकने। बात वो ये कि हम लोग प्रिकॉशंस नहीं लेते, प्रिवेंशन का कोई सोर्स नहीं है हमारे पास। अब यही कोरोना वायरस जो आया है तो इसकी प्रिवेंशन का हमारे पास नहीं है कोई, बाहर सारी जगह पे ना मास्क अवेलेबल किए जा रहे हैं, बाहर से वैक्सीनेशन यहाँ पर मुंतकिल की जाएगी। पहले वैक्सीनेशन जब अप्रूव होगी ना तो उसका कोई एक जो फॉर्मूला होता है, कह तो रहे थे कि दीगर मुमालिक में किट्स, इसके हवाले से किट्स दी गई हैं, एयरपोर्ट्स पर जो है स्क्रीनिंग का निजाम नाफिज किया गया है, स्क्रीनिंग तो इधर भी कर रहे हैं, लेकिन बात जैसे आम पब्लिक को कोई मास्क नहीं दिए जा रहे, ठीक है, कोई अवेयरनेस के लिए कुछ टीम, क्योंकि देखे ना ये वायरस ऐसा है कि इसके लिए डॉक्टर भी उसी टाइप के चाहिए होंगे ना, अरेंज करने पड़ेंगे। नॉर्मल डॉक्टर आप किसी को बोल दो तो उसको तो नहीं पता कि क्या सिम्टम्स हैं, क्या किस तरह से, सिम्टम्स तो चलो अगर डॉक्टर डिटेक्ट कर भी लेना, इसके लिए पूरा एक आपकी टीम होती है जिसमें लैब टेक्नीशियंस भी होने चाहिए, हेड ऑफ कोई लैब डॉक्टर भी होना चाहिए, कोई पैथोलॉजिस्ट भी होना चाहिए, पूरी एक टीम होगी, टीम वर्क करेगी तो इसके ऊपर काम होगा। ऐसे तो नहीं हो सकता, वरना तो ऐसा तो नहीं है कि इलाज के लिए हमें भी बाहर ममालिक जाना पड़ेगा इसका? नहीं नहीं, अल्लाह, क्योंकि हमारे यहाँ मोस्टली देखा जाता है कि डॉक्टर जो होते हैं वो कहते हैं कि आप यहाँ तो पाकिस्तान में तो इलाज मुमकिन नहीं है, इसका आप बाहर ले जाएं पेशेंट को। जो वायरल डिजीज है ना इनका तो इतना टाइम स्पेन, अगर खुदा ना खास्ता किसी को कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो इतना टाइम स्पेन नहीं होता कि ट्रेवल करे। वायरल डिजीज का तो जो ट्रीटमेंट है वो उसी वक्त, अच्छा इसमें ट्रैवलिंग नहीं कर सकते, ट्रैवलिंग का टाइम स्पेन, देखें आप खुदा ना खास्ता किसी को कॉम्प्लिकेशन हो रही है
तो वो अगर निमोनिया में जा रही है ऑर्गन फेलियर में, तो उसको आप शिफ्ट नहीं कर सकते। कुछ लोग भी ऐसे होते हैं ना, हमने देखा है कि जैसे हमारे यहाँ की बात कर लें, लोग घरों से ही टोटके कर रहे होते हैं, तो आपको क्या लगता है मतलब इस तरह करना चाहिए या फौरन अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी बीमारी या कहीं दर्द या कुछ इस तरह से आपको फील हो रहा है तो आप फौरन डॉक्टर के पास जाएं? डॉक्टर को कंसल्ट करने में कोई हार्म नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों के माइंड में है कि डॉक्टर सिर्फ पैसे बनाते हैं। ठीक है, आप भी डॉक्टर हैं, बीइंग अ डॉक्टर आप एक इसका सवाल का जवाब जो है वो अच्छा दे सकती हैं कि हमारे यहाँ जाते हैं लोग, कहते हैं काउंटर पे पहले पैसे जमा करा दो अस्पतालों में, बड़े से बड़े अस्पतालों में, छोटे से छोटे अस्पतालों में जो है वो पहले पैसे वो करते हैं, कहते हैं डॉक्टर एक मसीहा होता है, लेकिन आजकल के जो डॉक्टर्स हैं वो कहते हैं सिर्फ पैसा बनाते हैं, ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, देखो जो बैठ प्रोफेशन, क्योंकि कहते हैं कि डॉक्टर्स के एटीट्यूड बहुत ज्यादा होते हैं कि वो खुद पेशेंट्स को नहीं देखते, तो उनके साथ जो होते हैं वो छोटे मोटे डॉक्टर जो होते हैं ट्रेनिंग पे होते हैं तो उनको बोलते हैं जरा आप केस कर लें, देख लें, वो कर लें, इस तरह का मैं सुनती हूँ। पता है क्या, हर कोई अपने एक्सपीरियंस से बोलता है, जहाँ पे अच्छे लोग होते हैं ना वहाँ पे बुरे भी होते हैं, तो अगर 10 में से 8 अच्छे डॉक्टर्स हैं, 2 बुरे होंगे, तो सिर्फ बुराई का जो है ना वो नाम हो जाएगा। तो ये कि डॉक्टर्स, लेकिन मेजॉरिटी डॉक्टर्स जो है वो खुद केटर करते हैं, उनका तो दिल चाहिए थे जब डॉक्टर का अच्छा रेपो बनेगा तो उसके पास कोई नेक्स्ट पेशेंट आएगा। हमारे यहाँ देख लेना मतलब मेडिसिन जो है वो जाली, मतलब कोई वो नहीं होता, इलाज जो है कोई मशीनरी दस्तयाब नहीं होती या कुछ नहीं होती। हमारे वुजराओं की मिसाल ले लें, हुक्मरानों की मिसाल ले लें, इलाज के लिए ट्रीटमेंट के लिए बाहर ममालिक का रुख करते हैं, क्यों वो इस तरह के अस्पताल या इस तरह की मेडिकेशन या इस तरह के मेडिकल स्टोर्स कायम नहीं करते कि जिसपे हर तरह की वैक्सीनेशन और हर तरह की मेडिसिन जो है वो अवेलेबल हो और इलाज हमारे मुल्क में सस्ता होना चाहिए, क्या कहेंगे आप? ये होना, देखो अब प्रॉब्लम क्या है, हॉस्पिटल्स भी अच्छे हैं, आपको मेडिसिन भी अच्छी मिल जाती है, डॉक्टर्स भी अच्छे मिल जाते हैं, ठीक है। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाएं, अच्छे डॉक्टर्स होंगे, वो क्या कहेंगे, अपनी कंसल्टेशन नहीं लेंगे, लेकिन बाकी चीज़ें जो आपने करनी है वो आपको, क्योंकि गवर्नमेंट का ये काम है कि फ्री मेडिसिन प्रोवाइड करें, ये डॉक्टर अपनी जेब से, तो मेडिसिन इतनी कॉस्टली होती है कि गरीब बंदा जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। ये तो फिर एक बिल्कुल ना, ये क्योंकि ये चीज़ आ जाती है गवर्नमेंट लेवल पे, डॉक्टर अपनी जेब से तो मेडिसिन नहीं देगा, वो मैक्सिमम अपनी कंसल्टेशन नहीं लेगा आपसे, आपको मेडिसिन लिख के दे देगा, वो आपको जो भी चीज़ होगी वो ट्रीटमेंट बता देगा कि आप करें, वो उससे अपने पैसे नहीं लेगा। लेकिन मेडिसिन आपने खुद लेनी है। अच्छा, अगर आपने बाकी फैसिलिटीज यूज करनी है, कोई आपने जैसे इंजेक्शन लगाना है, आईवी की कोई चीज करानी है, तो उसके तो आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको कवरेज नहीं दिया हुआ। लेकिन हमारे यहाँ डॉक्टर्स की भी इतनी ज्यादा ओपीडीज में अगर आप चले जाए तो इतनी ज्यादा डॉक्टर्स की जो है वो फीसेज होती है। अच्छा, फीस डॉक्टर जो है ना हॉस्पिटल एंड एरिया वाइज रखी हुई होती है। अगर आप ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत सारा ओपीडी हो रही है और कोई एरिया ऐसा जहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन बहुत वेल ऑफ नहीं है, तो वहाँ पे फीस भी कम होती है, तो एरिया वाइज भी फीस। अच्छा, हमने ये भी सुना होता है कि जैसे मतलब किसी को खांसी हो, बुखार है, कुछ, और डॉक्टर्स फौरन ना टेस्ट लिख के दे देते कि कहीं सिम्टम्स डेंगू के ना हो, इसके ना हो, उसके ना, तो आपको लगता है कि इस तरह टेस्ट फौरन लिख के दे देने चाहिए? एक जो सिंपल सीबीसी टेस्ट होता है ना जिसमें ब्लड काउंट आता है, वो लिखते जरूर है डॉक्टर्स। और अक्सर पेशेंट समझते हैं कि यार नजला जुकाम का था, इसमें तो कुछ नहीं आएगा। सीबीसी इसलिए लिखा जाता है कि उसमें हमें पता चलता है कि वायरल डिजीज है कि बैक्टीरियल, क्या एंटीबायोटिक देनी है कि नहीं देनी है। तो वायरल है तो उसकी ट्रीटमेंट डिफरेंट हो जाएगी, बैक्टीरियल है तो उसकी डिफरेंट हो जाएगी। और अगर वो सही आया, उसमें कोई इशू नहीं है, तो फिर नॉर्मल हम लोग सिम्टोमेटिक जो है मेडिसिन दे देते हैं कि फीवर के लिए मेडिसिन दे दी या पेन किलर दे दी। ठीक है, लास्ट में आप बीइंग अ डॉक्टर क्या मैसेज देना चाहेंगे कोरोना वायरस के हवाले से? कोरोना वायरस के वैसे ही अपना ख्याल रखें, हाथ धोएं, अगर किसी को नज़ला जुकाम खांसी हो रहा है तो अपने आप को भी कवर रखें और घर वालों को भी कहें कि मास्क लगा के रखें। आजकल मास्क इजीली मिल रहे हैं, ये वैसे चाहिए गवर्नमेंट को कि थोड़े से स्प्रेड भी कर दें फ्री कैंप्स में। नाजरीन, इन्हीं की इसी अच्छे मैसेज के साथ जो है प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपनी होस्ट कौकब फारूकी को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।